हिट फिल्म दृश्यम की सीक्वल दृश्यम 2 की शूटिंग अभी इसी साल शुरू हुई और फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंच भी गई। मूल रूप में मलयालम में बनी दोनों फिल्में कामयाब रही है। हिंदी में भी दृश्यम हिट रही और अब दृश्यम 2 भी उसी राह पर है। फिल्म दृश्यम 2 का असली सितारा इसकी कसी हुई कहानी है। हालांकि मूल फिल्म में फिल्म का शुरुआती हिस्सा थोड़ा धीमा लगता है। इसकी रिमेक में निर्देशक अभिषेक पाठक ने फिल्म को थोड़ा कस दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मलयालम में बनी दृश्यम 2 देखने के बाद भी इसका हिंदी रिमेक देखने की उत्सुकता आखिर तक बनी रहती है। फिल्म का क्लाइमैक्स ही फिल्म की असल जान है। फिल्म दृश्यम 2 की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से एक पुलिस अधिकारी के बेटे की हत्या होने का खुलासा तो हो चुका है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। पिता अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति के लिए उसके शव का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन उसे तो विजय सालगांवकर ने ऐसी जगह गाड़ दिया था जहाँ से चाहकर भी उसे निकाला नहीं जा सकता। लेकिन उस बेटे की माँ अभी लौट आई है। उसे चौथी क्लास तक पढ़े बस विजय से ही नहीं बल्कि पूरे परिवार से बदला लेना है। उसके साथ पड़ा दूसरा IPS ऑफिसर उसकी कुर्सी पर आया है। ये ऑफिसर मीरा से भी ज्यादा तेज दिमाग दिखता है। लेकिन मामला यहाँ फिल्म का है। जी हाँ, विजय सालगांवकर का हर पैतरा किसी न किसी फिल्म की कहानी से निकलता है और इस बार फिल्मी पुलिस पर फिल्मी पैतरा भारी पड़ता है। हिंसा और रोमांस पर बनी अतपकी कहानियों से बोर हो चुके हिंदी सिनेमा के दर्शक भी वर्ल्ड सिनेमा के दूसरे दर्शकों की तरह अपने रगों में खून की रफ्तार तेज करने वाली फिल्में देखना चाहते हैं। थ्रिलर दुनिया भर में बीते एक दशक में सबसे कामयाब फिल्म श्रेणी रही है और दर्शकों की इस पसंद पर फिल्म दृश्यम 2 खरी उतरी है। फिल्म की आत्मा इसकी कहानी में बसती है और बिना इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ किए अभिषेक और आमिर ने इसका हिंदी रिमेक बढ़िया बना लिया है। दोनों हिट द फर्स्ट केस के हिंदी रिमेक के क्लाइमैक्स में की गई बेवकूफी जैसी कोई हरकत करने से दूर रहे हैं। और फिल्म हालांकि मूल फिल्म की फ्रेम टू फ्रेम कॉपी जैसी ही है, लेकिन क्लाइमैक्स का गठन और प्रेजेंटेशन अभिषेक पाठक ने बदल दिया है। फिल्म के किरदार अपने रंग बदलते रहते हैं और इन बदलते रंगों से ही फिल्म दृश्यम 2 का इंद्रधनुष बनता है। कलाकारों में ये फिल्म पूरी की पूरी अजय देवगन की है। फिल्म दृश्यम 2 में वो मोहनलाल जैसा ही रूप भी धारण किए हैं। हालांकि मामला चूंकि अजय देवगन का है तो उनका सिनेमाघर सिंगल थिएटर न होकर मल्टीप्लेक्स है। कहने का मतलब ये है कि विजय सालगांवकर का आभा मंडल जॉर्ज कुटी से ज्यादा रईस है। सिर्फ आंखों से अभिनय करना है तो फिलहाल अजय देवगन के मुकाबले दूसरा किरदार हिंदी सिनेमा में तो दूर दूर तक नहीं दिखता। और फिल्म दृश्यम 2 के इस किरदार को निभाने की असल जरूरत भी यही थी। श्रिया सरन नॉर्मल सीन्स में भी अपने कंठस्वर का यूज क्यों नहीं करती, ये सवाल जरूर दर्शकों के मन में आया होगा। हाँ, दो बच्चों की चुस्त तंदुरुस्त माँ के किरदार के लिए वो बिल्कुल फिट है। इशिता दत्ता और मृणाल जाधव अभी दोनों काफी बड़ी हो चुकी है, फिर भी सीक्वल की कहानी के हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह फिट है। फिल्म दृश्यम 2 में तब्बू और रजत कपूर का काम सीमित ही है। इस बार अजय देवगन के मुकाबले कैमरे के सामने उतरे हैं अक्षय खन्ना। अभिषेक पाठक ने अक्षय खन्ना को इस किरदार को लेकर बिल्कुल ही सही फैसला किया है। पर्दे पर उनकी एंट्री के लिए जूनियर पुलिस कर्मियों के आपसी संवादों का उपयोग उनके किरदार को लेकर दर्शकों के मन में रुचि जगाता है। कमलेश सावंत ने एक बार फिर फिल्म के क्लाइमैक्स को रफ्तार दी है। उनका मराठी लहजा फिल्म की कहानी को दम देता है। सौरभ शुक्ला फिल्म के पटकथा लेखक बने हुए है और अपने किरदार के जरिए फिल्म में जरूरी रोमांच बनाने में अच्छी मदद करते है। नेहा जोशी ने भी तारीफ के लायक काम किया है। तकनीकी रूप से भी फिल्म दृश्यम 2 हाल फिलहाल की हिंदी फिल्मों से बेहतर बन पड़ी है। एक अच्छी टीम चुनने का फायदा निर्देशक अभिषेक पाठक को उनकी पहली हिट फिल्म के रूप में मिलता दिख रहा है। सुधीर चौधरी ने गोवा को बिल्कुल अलग नजरिए से कैमरे से देखा है। क्लाइमैक्स के कुछ दृश्यों में देखी गोवा की खूबसूरती बेमिसाल है। संदीप फ्रांसिस ने मूल फिल्म से इसकी हिंदी रिमेक की अवधि 13 मिनट कम रखने का अच्छा काम किया है। फिल्म दृश्यम 2 संगीतकार देवीश्री प्रसाद की पहली ऐसी हिंदी फिल्म है जिसके सारे गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक खुद उन्होंने दिया है। जुबिन नौटियाल का गाया गाना साथ हम रहे पहले ही हिट हो चुका है, लेकिन इस फिल्म का असल गाना वो रैप सॉन्ग है जो एंड क्रेडिट्स में बजता है। फिल्म ऐसी है कि इसका असली आनंद परिवार के साथ भी लिया जा सकता है। सो गाइज, अगर आपको ये रिव्यू अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।